हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नो भाषा जी नो बकवास सीधे मुद्दे की बात। मुद्दा यह है कि हम लोग सभी लोग पूरा भारत जीवन आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहा है और उसे जाहिर सी बात है खुशी होना ही चाहिए, लेकिन एक बात का दुख भी है कि आज भी महिलाओं के ऊपर इतने अत्याचार होते हैं, इतने न्यूज आते हैं तो हम शॉक हो जाते हैं जब न्यूज देखते हैं कि यार कि ऐसा भी है कि आज़ादी 75 साल मना रहे हैं फिर भी इतना क्राइम, इतना भ्रष्टाचार है। अभी आप उत्तराखंड का अंकिता भंडारी वाला केस देखे होंगे, जिसके साथ प्रोस्टिट्यूट किया जाता है ना, अंकिता भंडारी के साथ देखे होंगे कि किस तरीके से एक व्यक्ति उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था, ठीक है, और उसे पैसे दे के एक्सप्लॉयटेशन करवा मतलब करना चाह रहा था। खैर वो लड़की शिक्षित थी, एजुकेटेड थी, वो अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं की, और एक होना चाहिए हर लड़की में ऐसा, ठीक है, हर लड़की लड़के में होना चाहिए जो अपने अधिकार खातिर भले जान चली जाए, गलत की बात है वो बात की बात है, लेकिन जान कोशिश करें आपकी गलत कहीं हो रहा है, गलत के खिलाफ आप जाएंगे, लेकिन सावधानी से। आज समय में इंटरनेट है तो इंटरनेट का यूज करिए सही तरीके से। देखिए क्या होती है घटनाएं जब ऐसे सामने आती है, तैयार एक रोक हम चाहते कि वास्तव में हम एक आज़ादी मना रहे हैं जहां इतना बड़ा क्राइम होता है। अब चाहे अंकिता के मर्डर का वहां झारखंड का देख लीजिए, उन्नाव का देख लीजिए, ठीक है, तो ऐसे ऐसे केस आते हैं। यही यूपी का अपने केस देख लीजिए, कई केस थे मनीषा वाल्मीकि का जिन्हें सरकार रातों रात पेट्रोल डाल के क्या कर जलवा देती है। तो इस तरीके की आज भी घटनाएं होते हैं और महिलाओं के साथ तैयार हिस्ट्री से शोषण होता आ रहा है, महिलाओं के साथ हिस्ट्री से इतिहास हुआ है और आज भी। देखिए और जो महिलाएं आगे बढ़ चुकी हैं, इवन जो मंत्री एमएलए हो चुके हैं भैया, वो नहीं बात करना चाहते हैं महिलाओं की बात, एक महिला हो के महिला की बात नहीं करना चाहते। सोचिए पहले देश कहाँ जा रहा है, तो भागीदारी में चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो बात करना पड़ेगा हर लोगों का, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर का बात करेंगे, किसी को धर्म का बात करेंगे, जातिवाद का बात करेंगे, सिर्फ हर चीज़ का बात करना पड़ेगा तभी हम एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं, एक अच्छा देश बन सकता है, अच्छा समाज बन सकता है। जो फियर ऑफ सोसाइटी, जो फियर सोसाइटी में है वो रिमूव हो सकता है, जो देश दुनिया में चल रही है फियर, ठीक है, तो ये चीज़ें होना चाहिए। और मंत्री में जो हैं आते हैं 2 मिनट का अपना भाषण दे के चली जाती हैं, स्मृति ईरानी हो चाहे निर्मला सीतारमन हो फाइनेंस मिनिस्टर हो, यार नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा, ऐसे मतलब क्या है, सिर पर पे बैठे हो क्या मतलब है, नहीं आप क्राइम के खिलाफ नहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हो, नहीं हो पा रहे छोड़ दो दूसरा कोई आने दो, अगर तुमसे नहीं हैंडल हो रहा है तो क्यों जबरदस्ती बैठे हुए हो, रिजाइन कर दो, ऐसे में जाके मजे लो। लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं समाज में, वो अपने जान की ना परवाह करते हुए भी सच्चाई को दिखा रहे हैं सोशल मीडिया से लेके यूट्यूब से लेके हर जगह तक के। तो ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं बुराई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, करप्शन ज़्यादा बढ़ गई, भैया करप्शन और बुराई को सहने वाले लोग बढ़ गए हैं, करप्शन और बुराई को जिस दिन ना सहने वाले लोग हो जाएंगे ना, तो देखिए किस तरीके से खत्म होती है, नहीं खत्म हो सकते तो कम तो किया जा सकता है भाई, कम तो हो सकती है ना, ये तो आप मान के चल सकते हैं कम हो सकती है, तो हमें बात करना पड़ेगा यार, मुद्दे जो हैं बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया के तौर पर बात करना पड़ेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन राइट फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट है, आपकी स्पीच है राइट टू स्पीच है, ठीक है, आप बोलिए अगर गलत के खिलाफ आप बोल सकते हैं, ये आपकी पूरी आज़ादी है,
और बोलना चाहिए हर नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए, यही एक ड्यूटी होना चाहिए। हाँ, बाकी लोग कहते हैं ना युवाओं और छात्रों को राजनीति नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? मुझे लगता है करनी चाहिए, लेकिन एक लिमिटेशन में होकर करना चाहिए, ताकि अगर चाहे कहीं गलत हो रहा है तो आप आवाज़ उठाइए उसको, हो गया, आप अपना काम करिए, पढ़ाई करिए, जल्दी है आप इंटर किया रहो उसमें जाकर नारे लगाइए। आप आज के समय टेक्नोलॉजी है, आप अगर गलत हो रहा है फिर फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे आप उसका विरोध कर सकते हैं। आप ट्विटर पे चले जाइए, वहाँ पे हाँ वहाँ पे एसएमएस करिए, तो गलत भले यार देखो गलत को गलत कहना पड़ेगा, अगर आप गलत को गलत नहीं कहते ना, आप अंतर आत्मा से आप सोचोगे ना तो खुद को आपको लग रहा है यार हम गलत कर रहे हैं, गलत आप लगते हुए अगर आप गलत नहीं बोल पा रहे हैं तो समझो कि आप जिंदा एक लाश हो, कहते हैं ना मैं जाने वाला लाश हूँ, तो आप जिंदा एक लाश हो। बाकी पॉलिटिक्स, एमएलए, एमपी,